हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ कुकिंग बाय रूमी। तो आज हम बनाएंगे पान आइसक्रीम की रेसिपी। पान बहुत ही अच्छा होता है हमारे डाइजेशन के लिए, तो चलो देखते हैं इसे बनाते कैसे है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपको यहाँ बहुत ईजी रेसिपीज़ मिल जाएंगे। तो पान आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ एक मिक्सर जार लिया है। इसमें मैं पहले बड़ी शब ऐड करूँगी, जिसे फनेल सीड भी कहते हैं। 2 टीस्पून मैं इसमें बड़ी शब ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें 2 टीस्पून गुलकन ऐड करूँगी। इसे रोज़ पेटल जैम भी कहते हैं, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। मैंने 5 पान के पत्ते यूज़ किए हैं, जिसे बिटल लीफ भी कहते हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरीके से वॉश करके क्लीन कर लिया है और इसके ये जो डंडिया है इन्हें निकाल के हम इसे भी मिक्सर में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। देखिए ये अच्छे से पेस्ट बन चुका है, पान मसाला रेडी हो चुका है हमारा। अब यहाँ मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैंने 1 कप व्हिप्ड क्रीम ली है, ठंडी व्हिप्ड क्रीम ली है मैंने यहाँ 1 कप। इसे हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम स्पीड पे बीट करेंगे। दो से तीन मिनट व्हिप करने के बाद हम इसमें 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे और इसे फिर से बीट करेंगे। इसे थोड़ा बीट करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे ताकि हमारा मिल्क पैड अच्छे से मिक्स हो जाए पूरी क्रीम में। इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून डेट्स खजूर जिन्हें मैंने चॉप करके यूज किया है ये ऐड कर देंगे, ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम और काजू का यूज किया है, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं ऐड करना तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये कुछ मैंने जेलीज ली है चॉप करके, ये भी ऑप्शनल है, आपको जेलीज भी ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं करनी आप पे डिपेंड करता है। और जो हमने पान मसाला बनाया है वो हम यहाँ 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे स्पैचुला से ही मिक्स करना है, हमें इसे बीट नहीं करना। अब हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर के ऐड करेंगे।
ये अच्छा सा कलर देगा हमारे आइसक्रीम को। और सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे हम क्रीम में, और फिर हम इस हमारे आइसक्रीम को एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। अच्छे से सेट करेंगे हम इसे कंटेनर में, और इस पे कुछ जेलीज और ड्राई फ्रूट से हम लोग डेकोरेट करेंगे हमारे आइसक्रीम को। ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल स्टेप है, आपको चाहिए तो आप ऐड करें, स्किप करना है तो स्किप करें। और फिर हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे 6 आवर्स के लिए। आपको इसे ठंडा करना है या फिर ओवरनाइट। ठंडा होने के बाद हमारा पान आइसक्रीम रेडी है, इसे हम सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।